नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और यह है श्रीमान अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते हुए ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए 2022 के अंदर एक नया कानून लेके आए थे, बस लेन का। बस लेन कानून क्या था, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, दरअसल में पूरे दिल्ली के अंदर एक रोड पर, जैसे तीन लाइन का रोड होता है, तीन लेन का होता है, तो एक लेन इन्होंने बस के लिए रिजर्व कर दी थी, यानी उसको एक बस लेन बना दिया था। और इसमें बकायदा ये कानून लाया गया था कि इस बस लेन के अंदर ना तो कोई और गाड़ी इसके अंदर जाएगी, ना ही इस लेन के अंदर कोई गाड़ी पार्क होगी। इस लेन के अंदर सिर्फ बस चलेगी या इमरजेंसी वाहन, जैसे एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी, ये गाड़ियाँ इस लेन के अंदर चलेंगी, अन्यथा इस लेन को खाली रखना है। अगर रोड पे ट्रैफिक जाम भी हो, उस स्थिति में भी लोग कोई भी आम गाड़ी, जैसे कार, टू व्हीलर या टेम्पो वगैरह, वो इस लेन का यूज नहीं करेंगे, इस लेन का उपयोग नहीं करेंगे। इस लेन को सिर्फ बस वाले यूज करेंगे या फिर इमरजेंसी सेवा करने वाले लोग। तो उसके चलते ये बस लेन बनाई गई थी और 1 अप्रैल 2022 को ये बस लेन पूरी दिल्ली के अंदर बनाई गई थी और बस लेन लॉ जो था वो इस दिन लागू भी कर दिया गया था। और बाकायदा टीवी में, न्यूज़पेपर में, हर जगह इसकी एडवर्टाइजमेंट भी कराई गई थी, लोगों को बताया गया था कि भैया बस लेन के अंदर अब लोगों को नहीं जाना है। उसके लगभग 1.5-2 महीने बाद लगभग दिल्ली के अंदर 21-22 हज़ार लोगों के चलान तक काटे गए थे, जो गलती से इस लेन के अंदर घुस गए थे या गलती से किसी ने गाड़ी पार्क लगा दी थी या बस वालों ने ही गलती से इस लेन से बाहर निकाल ली थी अपनी बसें। तो उसके चलते लगभग 21-22 हज़ार चलान काटे गए थे। दोस्तों, आज ये कानून लाए हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, 2024 चल रहा है। आज इस कानून की दिल्ली के अंदर क्या स्थिति है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जैसा हाल दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार का है, कुछ यही हाल इस लॉ का भी हो गया, इस कानून का भी हो गया है। दोस्तों, आज पूरी दिल्ली के अंदर बस लेन के अंदर अगर आप पूरी दिल्ली में कहीं पर भी जाएंगे तो उस बस लेन के अंदर या तो गाड़ियां पार्क होती हैं, लोगों ने अपनी कारें पार्क कर रही होती हैं, उसके अंदर या तो रिक्शा वाले चल रहे होते हैं, टू व्हीलर वाले चल रहे होते हैं, यहाँ तक कि बस वाले खुद वो कभी लेफ्ट की लेन में तो कभी राइट में या कभी बीच में, सब जगह चलते हैं पर इस बस लेन के अंदर नहीं चलते हैं। दोस्तों, पूरी दिल्ली के अंदर बस वालों ने इतना उधम मचा रखा है कि अब जबकि सरकार ने उनके लिए स्पेशली एक बस लेन बनाई है, पर इस बस लेन के अंदर वो चलते ही नहीं है। इस बस लेन में वो कब होते हैं, जब उनको रेस्ट करना होता है, उनको लंच करना होता है, इस बस लेन के अंदर गाड़ी खड़ी करेंगे, आराम से लंच करेंगे। दोस्तों, आज दिल्ली के जनकपुरी, जो जनकपुरी का वो एरिया जहाँ से उत्तम नगर बस टर्मिनल मात्र 10 कदम की दूरी पर है, वहाँ पर पूरे दिन अगर आप जाएंगे, जबकि टर्मिनल बनाया हुआ, टर्मिनल इसलिए कि जितनी भी बसें वहाँ से चलती हैं वो इस टर्मिनल के अंदर खड़ी होंगी और वहीं से ही सवारी लेके चलेंगी। परंतु सारे बस ड्राइवर, अब या तो हो सकता है टर्मिनल के अंदर जगह ना हो, सारे के सारे बस ड्राइवर ये जो उत्तम नगर का मेन रोड है, जनकपुरी वाला रोड, इस रोड पे लाके बस लेन के अंदर गाड़ियों को, बसों को पार्क करके आराम से वहाँ आराम फरमा रहे होते हैं। कोई वहाँ लंच कर रहा होता है, कोई मोबाइल पर गेम खेल रहा होता है, यहाँ तक कि सरकारी डीजल या सरकारी CNG जो गैस उसके अंदर डलती है, उस गैस का भी ये दुरुपयोग करते हैं। बसों चला के उनके AC ऑन करके आराम से बसों के अंदर बैठ के ये लोग लंच कर रहे होते हैं, आराम से उसके अंदर बैठ के ये लोग गेम खेल रहे होते हैं, यहाँ तक कि बस स्टार्ट छोड़ के ये लोग वहाँ पे पंचायत कर रहे होते हैं। दोस्तों, आज मैंने खुद जनकपुरी के अंदर ऐसे ही करीब कोई 7-8 बस ड्राइवरों को पकड़ा, जो कि बीच रोड में बस, आप देख सकते हैं बस लेन में तो इन्होंने बसें खड़ी कर रखी हैं, साथ में उसके साथ वाली लाइन, सेंटर लाइन जो होती है, उस लेन में भी इन्होंने बस खड़ी करके आराम से रोड के किनारे खड़े होकर सिगरेट पी जा रही है, चर्चा चल रहे हैं, पता नहीं किसी की चर्चा इनकी चल रही है, पंचायत लगी हुई है, ड्राइवर आराम से खड़े हुए वहाँ पे, पीछे लोगों के जाम लग रहे हैं, जबकि दोपहर का समय है और इस समय रोड पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती, परंतु उसके बावजूद भी ये तमाम बस ड्राइवर वहाँ बीच रोड में बसें लगा के आराम से वहाँ बैठे हैं। और ये आज का काम नहीं है दोस्तों, यह रोज का यही काम है। यहाँ पे रोज इसी तरीके से लेफ्ट रोड पे भी और राइट साइड के रोड पे भी, दोनों तरफ इसी तरह का बस वाले बसें रोड पे लगा के आराम से मोच काट रहे होते हैं। और दिल्ली सरकार, जिन्होंने एक कानून लिखा था, दिल्ली जो बस इन्फोर्समेंट है या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, वो आराम से गहरी नींद सो रहा है और बस वाले अपनी मनमर्जी से जहाँ चाहे वहाँ बस लेन में बसें खड़ी कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। क्या आपके वहाँ पे भी, आपके घर के आसपास भी बस लेन के अंदर लोग इसी तरीके से पार्किंग में गाड़ियाँ लगाते हैं या बस वाले भी बस लेन के अंदर बसें खड़ी करके आराम करने चलाते हैं? अगर ऐसा कुछ है तो आप उसकी वीडियो बना के हमें भेजें, हम अपने चैनल के माध्यम से
सरकार तक आपकी इस खबर को पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी जो केजरीवाल सरकार है जिसके सर में जू तक नहीं रेंग रही है इन मुद्दों को लेके। आम आदमी अगर बस लेन में घुस जाए तो उसका 500 से लेके 10,000 तक का चालान कटता है और ये बस वाले आराम से फ्री होके बस लेन के अंदर बस लगा के आराम कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। ये देखो बस लाइन के अंदर यहाँ के बस ड्राइवर ने गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है। केजरीवाल ने बस लाइन बनाई थी कि भैया बस लाइन में बस चलेंगी, कोई गाड़ी नहीं खड़ी होगी, और बस लाइन के अंदर बसें पार्किंग में लगा रखी हैं। ये बीच रोड में पार्किंग लगा रखी है, ये सामने टर्मिनल की तरफ है, पीछे भी देखो बसें लगाई हुई हैं। और किस तरीके से ये बस वालों ने यहाँ पर हालात कर रखे हैं और आपको दिखाता हूँ ये बस वाले किस तरीके से यहाँ रोड पर बसें लगा के रोड जाम करके और मीटिंग कर रहे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। ये देखिए ये बस का नंबर दिख रहा है, ये देखो ये भाई साहब बस के अंदर बैठे हुए आराम से गेम खेल रहे हैं। और ये देखो अभी दिखाता हूँ आपको बीच रोड पे बसें लगा के ये लोग क्या कर रहे हैं। वो देखो ये कंडक्टर ड्राइवर दिख रहे होंगे आपको, ये देखो ये सारे ये बस वाले भैया, ये देखो ये इनकी मीटिंग चल रही है यहाँ पे। ये देखो ये भाग रहे हैं, बीच रोड में बसें लगाई हुई हैं इन्होंने, सरकार का इनको कोई खौफ नहीं है। ये रे भाई साहब ये देखो ये दो भैया ये रे, ये बीच में बस लगी हुई है। भाई ये बीच में बस क्यों लगा रखी है बताओ? भाई एक्सीडेंट हो गई। अच्छा, और ये मेरे को ये तो बस लाइन है ना भाई, ये बताओ ये बस लाइन है ना, बस लाइन किस लिए बता दो बस खाली? बस चलने के लिए भाई। बस के लिए चलने के लिए ना। इस बस लाइन में अगर कोई गाड़ी वाला घुस जाए तो चलान है कि नहीं है? और बस के अलावा कोई दूसरी गाड़ी घुस जाए तब भी चलान है? बस इसमें पार्किंग होगी तब भी चलान है? तो आज सबके चलान कटेंगे? कोई बात नहीं, एक्सीडेंट है तो भाई इस पर लिखो ना, ब्रेक डाउन लिखो। इस पर कहाँ लिखा हो ब्रेक डाउन बताओ? अभी लिखा नहीं। देखो ना तो है वो। आप कह रहे हो कि बस का बस खराब है, इसमें ब्रेक डाउन कहाँ लिखा हुआ ये बताओ? भाई एक बार बगल में लिखा के देखो। कोई बात नहीं, इसको साइड में लगाऊंगा अभी। लगा लो ब्रेक डाउन तो लिखो इस पे। अरे भाई कोई बात नहीं, अब ये देखो ये हाल है। ये बस वाले यहाँ खड़े करके गाड़ियाँ और इंजॉय कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। टर्मिनल बना हुआ है, मुश्किल से 20 कदम पे टर्मिनल है और उसके बावजूद देख लो क्या हाल है।